हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं मोहिनी पचौरी आपका अपने चैनल राधा मोहिनी की रसोई में स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ दाल ढोकली, जो खाने में बड़ी मजेदार और चटपटी है। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले दाल भिगो लिया रखी हमने, ये हम डाल देंगे कुकर में। दाल उबाल लेते हैं सबसे पहले, तो इसके लिए हमने कुकर में ये दाल डाल दी है। ये अरहर की दाल है, ये जो हमने आधा घंटे पहले भिगो के रखी थी। अब हम इसमें डाल देंगे चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच नमक। हम नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार अपने, और इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच ऑयल। अब इसमें डाल देते हैं पानी। कुकर का हम ढक्कन लगा लेते हैं और दो तीन सीटी आने तक इसको बना लेते हैं। कुकर को हम गैस पर रख देते हैं। दाल उबल रही है जब तक हम अपनी ढोकली की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए आटा लगा लेते हैं। ढोकली के लिए आटा लगा लेते हैं। हमने एक कप ले लिया आटा, इसमें एक चम्मच डाल देंगे बेसन, चौथाई चम्मच डालेंगे हल्दी स्वाद के अनुसार, लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच नमक, अजवाइन डालेंगे हम थोड़ी सी इसमें, और हींग डालेंगे। मोमन के लिए इसमें हम डालेंगे एक चम्मच तेल। अब इस सबको मिला लेंगे। और एक इसका आटे का डो तैयार कर लेंगे। डो बन के हमारा आटे का रेडी हो गया। इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं, जब तक दाल के हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तड़के के लिए हमने एक प्याज काट ली है, हरी मिर्च बारीक काट ली है, लहसुन काट लिया है, अदरक ले लिया है आधा इंच, टमाटर काट लिए हैं बारीक, इसके लिए लिए जीरा लिया है, लाल मिर्ची लिए और लौंग और दालचीनी का एक टुकड़ा ले लिया है और सरसों के दाने ले लिए। अब तड़के की तैयारी करते हैं। ढोकली का आटा सेट हो गया एकदम से। अब इसकी हम दो लोइयां बना लेंगे।
और ढोकले बना लेते हैं। अपने हिसाब से कोई भी शेप आप इसकी दे सकते हैं। भाई ये रोटी बिल गई है, मैं इतना मोटा बनाना है। अब इसको हम कोई भी शेप में काट लेते हैं। देखिए कितनी अच्छी है ये बनके ढोकली हमारी। अब ऐसे हम दूसरी भी लोई बना लेते हैं। दूसरी भी हमारी रोटी बन गई है। अब इसको भी हम ऐसे काट लेते हैं। ये भी हमारी बन गई, इसको भी हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। अब दाल भी देख लेते हमारी बन गई है। दाल हमारी बन गई है, अब इसको चला देते हैं अच्छे से। अब इसे अपनी सारी ढोकली डाल देते हैं उबलने के लिए। सारी हमारी ढोकली डल चुकी है। अब इसमें हम एक टुकड़ा गुड़ का डाल देंगे। खट्टा मीठा सा स्वाद इसका बहुत अच्छा लगता है। हम कभी भी इसको हल्की फुल्की भूख में, कभी जैसे कि खाना बनाने का मन नहीं है तो हम बना के इसको खा सकते हैं। खाने में बहुत ही मजेदार लगती है। इसे 10-15 मिनट उबलने देते हैं। जब तक हमारी दाल ढोकली उबल रही है हम तड़के लगा लेते हैं। इसके लिए हमने कढ़ाई में घी डाल देते हैं। एक चम्मच हमने घी डाल दिया है। घी हमारा गरम हो गया है तो हम अपने इसमें मसाले डाल देते हैं। और कुछ हम कड़ी पत्ते के, कड़ी पत्ता डाल देते हैं तोड़ के इसमें। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हमारे मसाले भून गए हैं, हम उसमें डाल देंगे लहसुन कटा हुआ,
प्याज हमारी भुन गई है, अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, आधा चम्मच धनिया डालेंगे, मसाले के अनुसार नमक डालेंगे और थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे, थोड़ा इसको चला लेंगे। मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। अब इसमें टमाटर कटे हुए डाल देंगे, अब इसको चला लेते हैं अच्छे से। टमाटर को भी गल जाने का बना लेते हैं। मसाला भी हमारा बन गया है, जैसे भी इसमें तुम्हारी ये फल चुकी है अच्छे से, और इसको भी हम डाल देंगे इसमें। इसको मसाले के साथ 5 मिनट और इसको खोलने देते हैं। हमारी ढाकली तैयार है। ढोकली हमारी तैयार हो गई है। अब हम इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच नींबू का रस डालेंगे और हरा धनिया कटा हुआ डालेंगे। अब हम इसको सर्व करते हैं। हमने इसको सर्व कर दिया। अब इसमें थोड़ा सा डालेंगे ऊपर से घी, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा डालेंगे धनिया पत्ता कटा हुआ, तो देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी बनकर आई है। खाने में भी एकदम मजेदार लगती है। ये राजस्थान और गुजरात की फेमस डिश है ये, तो फ्रेंड्स आप भी बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए गर्मा गर्म। तो फ्रेंड्स बताइए मेरी बनाई हुई दाल ढोकली आपको कैसी लगी। आप बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। और मेरी राधा मोहिनी की रेसिपी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए। और बताइए हम आपके लिए और क्या रेसिपी लेकर आए। थैंक यू।